व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू रिएक्ट ऑन सिद्धार्थ निगम न्यू सॉन्ग टीज़र। और टीज़र एक दिन पहले ही आया है, सो काफ़ी वेट था मुझे इस सॉन्ग का, क्योंकि इस सॉन्ग के बारे में इन्होंने पहले बताया था कि एक सॉन्ग कम और एक ट्रेलर और एक मिस्ट्री सा ज़्यादा लग रहा है। और इसमें फीचर किया गया है सिद्धार्थ निगम को और अनुष्का सेन को, और आई थिंक अलादीन एंड नहीं होता, अलादीन की शूटिंग के दौरान ही इसे शूट किया गया था और इसकी शूटिंग गोवा में हुई थी। मुझे सारी स्टोरीज याद है जो जो इन्होंने इंस्टाग्राम पे लगाई थी, बट काफ़ी टाइम लगा इसको आने में। सो फाइनली इसका टीज़र आ चुका है और ये रिलीज़ हो रहा है 15 मार्च को। वैसे 15 मार्च को तो मेरा बर्थडे भी है। ये क्या बात करता है यार। हाँ, कोई खुशी वाली बात नहीं है, मतलब सिर्फ मेरे लिए खुशी वाली बात है, क्योंकि फेसबुक फ्रेंड्स के अलावा किसी को याद नहीं रहता, और उन्हें भी तब याद रहता है मेरा बर्थडे, क्योंकि फेसबुक बताता है कि इस बंदे का आज बर्थडे है, विश कर लो। बाकी रियल लाइफ में कोई विश नहीं करता। 15 मार्च पे ये रिलीज़ हो रहा है और मैं इसको एक गिफ्ट की तरह समझूंगा, क्योंकि आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ सिद्धार्थ निगम, तो मेरे बर्थडे पर ये रिलीज़ हो रहा है, सो आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली रियली हैप्पी यार। ओके, सो देखते हैं कि ये टीज़र कैसा है, सो लेट्स चेक इट आउट। What a beautiful location यार। तेरी आदत जो लगी है उसे कैसे मैं भुलाऊं। वाओ, एक बार दोबारा देखते हैं प्लीज यार, एक बार दोबारा। ओके, सो ये बैकग्राउंड म्यूजिक इन्होंने पोस्टर पे लगाया था इंस्टाग्राम स्टोरी पे, और जब जैसे ही मैंने सुना आई वाज लाइक वाओ यार, सुपर वे सीरियसली। और जितना इन्होंने बोला था कि इसमें मिस्ट्री भी है, एक्शन भी है, सब कुछ है इसमें, ये म्यूजिक वीडियो कम और एक फिल्म ज़्यादा लग रही है, सो आई एग्री यार, टोटली एग्री। इस लुक में देख के मुझे घुंघरू सॉन्ग में ऋतिक रोशन की याद आ रही है। गोवा हो और फिर बीच ना हो। अब ये एक ट्विस्ट है कि ये कैसे हुआ, सच में यार ये मूवी लग रही है मुझे सीरियसली। 15 मार्च, ओके। सो ये टीज़र था और मैंने दो बार देखा, मैंने आज तक किसी भी चीज़ को दो बार नहीं देखा, आई मीन एक रिएक्शन के दौरान, बट ये मुझे सडनली इतना एक्साइटेड लगा कि मुझे लगा दोबारा देखना चाहिए, और काफ़ी ज़बरदस्त लगा वो बैकग्राउंड म्यूज़िक यार, वो मास्क वाली सीन के साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक सुपर्ब है यार, आई कांट वेट टू सी यार। और इतना ब्लॉकबस्टर सॉन्ग अगर मेरे बर्थडे पर रिलीज़ हो रहा है तो ब्लॉकबस्टर तो होगा, क्योंकि मेरा बर्थडे है यार। मजाक कर रहा हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग होने वाला है ये सीरियसली, सो गिफ्ट बहुत बड़ा है, मैं हज़म नहीं कर पाऊँगा, सो थैंक यू सो मच टू ऑल द टीम जिन्होंने 15 मार्च चुना है। ज़िंदगी में पहली बार मेरे बर्थडे पे कुछ अच्छा होने वाला है, सो आई एम रियली एक्साइटेड यार, मैं बयान नहीं कर सकता मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि आई एम अ बिग फैन ऑफ सिद्धार्थ निगम। तो अगर आप किसी के फ़ैन हो, और मैं इंस्टाग्राम पर एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पर कमेंट्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ, और ओके मतलब स्टॉकिंग भी आप बोल सकते हो, तो जब भी किसी सेलिब्रिटी का कोई सॉन्ग या फिल्म आता है तो अगर उस
मतलब उस डेट पे किसी फैन का बर्थडे है तो वो कमेंट में लिख देते थे या लिखती थी या लिखता था कि आई एम रियली हैप्पी मेरे बर्थडे पे रिलीज हो रहा है. सो आई वाज लाइक कुछ भी. तो अब ये मेरे साथ हो रहा है तो आई कैन फील दैट कि वो क्यों खुश होते थे. सो आई एम रियली हैप्पी कि 15 मार्च को रिलीज़ हो रहा है. सो टाइम मुझे नहीं पता कि कब रिलीज़ हो रहा है बट 15 मार्च को है तो आई एम हैप्पी. ओके बाकी देखेंगे पूरा सॉन्ग कैसा है. सो अगर आप लोग भी एक्साइटेड हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना. सो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो. ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके ओरिजिनल वीडियो देख सकते हो. बाकी अगर मेरे रिएक्शन पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना. और बस यही थी आज की वीडियो.